गाइस अभी देख रहे हो सड़क में खड़े हैं और 10 मिनट हो गए भाई यहाँ पे खड़े हुए और गाड़ियों के तो नाम निशान नहीं है भाई। गाइस अभी हमें गंगा जी के किनारे और हमारे हिमालय भाई मुंह धुल रहे हैं हिमालय ये देखो भाई लोगो आपका यूट्यूबर क्या कर रहा है पानी पी रहा है ये भाई मोमो खा रहा है देख लो करता है तू चीटिंग 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 करता है तू। सो हेलो 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 गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सारे भाई लोग। तो भाई लोग ये व्लॉग हो रहा है 1:30 बजे से स्टार्ट, फिलहाल तो अभी दिन का 1:30 बज रहा है और इससे मिलो भाई ये मेरा फ्रेंड हिमालय हिमालय घटती मगर बिना भाई देखो दिन का 1:30 बज रहा है। उसने मेरे को अचानक से कॉल करी कि कुछ काम है, मैंने सोचा कुछ कामों को देख रहे भाई ये मेरे को ना इस हालत में पता है कहाँ लेके जा रहा है। ये साली टोपी भी मैंने पहनाई है, टोपी भी भाई इसने ही दी, बालों की हालत देख रहे हो तो इसलिए। तो भाई फिलहाल तो मैं बता देता हूँ अभी भाई मैं जा रहे हैं और मैं मतलब हम दोनों जा रहे हैं हरिद्वार, हरिद्वार में हमारा कुछ काम है। फिलहाल तो 3 घंटे लग जाएंगे, जाना आना 3 घंटे तक हो जाएगा। अभी भाई हरिद्वार जाके देखते हैं कि क्या काम है क्या नहीं है, फिलहाल तो इसने मेरे को बताया नहीं है। फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं भाई सड़क में क्योंकि सड़क में गाड़ी मिलेगी ना भाई, तो अभी जा रहे हैं सीधा चलते हैं हरिद्वार और आपको व्यू भी दिखा दूंगा और मैं भी रहूँगा इसके साथ में। हाँ ये भी रहेगा भाई। गाइस अभी देख रहे हो सड़क में खड़े हैं और 10 मिनट हो गए भाई यहाँ पे खड़े हुए और गाड़ियों का तो नाम निशान नहीं है भाई क्योंकि गर्मी का टाइम है, भीड़ भी कुछ नहीं है भाई। गर्मी में वैसे भी कोई बाहर निकलता ही नहीं है क्योंकि सबको डर रहता है भाई कि हम काले ना हो जाएं। तो ये गाड़ी आई है साथ जाएगी कोटद्वार क्योंकि कोटद्वार जाने का रास्ता इधर से भी और ऊपर से भी है भाई। अभी इंतजार करते हैं थोड़ा बस का, उसके बाद चलते हैं अपने मिशन पे। राहुल गांधी की तरह क्यों बोल रहा? अबे साले तो हिमालय भाई बस के इंतजार करते हुए कैसा महसूस हो रहा है भाई? कुछ है ही नहीं भाई, ये तो ऐसे खड़ा है देखो गन्ने की मशीन के सामने। गन्ना निकालने वाला ना थोड़ी देर में। हाँ तू भी पिएगा फिर? ना यार मेरे तो पेट में जलन हो रही है। क्या हो गया? पी लियो मीठा रे। तो भाई गाड़ी तो आनी थी यार, क्या करें हम, टेम्पू निकला भाई अभी हरिद्वार का, उसमें बैठे नहीं क्योंकि यार मेरे को ना टेम्पू में बैठने बड़ा बुरा लगता है क्योंकि खट 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 दिमाग में ना क्या बताएं तुमको, और ज़्यादा क्या बोलते हैं हिमालय उसको, ज़्यादा ना मेरे को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ, मैं ना शांत रहने वाला बंदा हूँ। फिलहाल ये भी भाई मेरी तरह है, इसको भी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। ये मोबाइल देने जा रहा तू? तू यहाँ टेम्पो वालों को देता वहीं छोड़ देता हूँ। बड़ी कीमती है, हमने कुछ और भी लाना वहाँ से। अभी आ जाएंगे ना, थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे क्योंकि हमें घूम ही लेंगे थोड़ा घर पे बैठे बैठे। देखा हूँ नंगा शुक्र मेरा बेटे, आज क्या बोलते हैं धूप इतनी नहीं है, मैं हालत खराब हो जानी है। आज तो सुबह से ही बादल लगे हुए थे थोड़े। वैसे मैं तुझे एक बात बोलना भूल गया, आई एम योर बिग फैन, बिग फैन देख रहे हो भाई, मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है, आपकी की भाई आपकी वीडियो देख देख के मैं वीडियो बनाना सीखा। ये बेइज्जती कर रहा है भाई मेरी कसम से। मैं बेइज्जती क्यों करता भाई की? कितने स्वेटर धोए तूने? अपनी लंबाई और हमें बहुत देर हो चुका है, आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, गाड़ी अभी तक एक भी नहीं आई है। टेम्पो में जाने के लिए बोल रहे थे भाई साहब ने, बोला मैं टेम्पो में नहीं जाऊंगा बस में जाऊंगा क्योंकि बस खुला खुला रहता है, इसको नहीं पता कि कोटद्वार से भर के आती है बस। क्या खाएगा यार? मसूर की दाल, वो भी साबुत मसूर बिना छिलका। क्या खाएगा उसमें बता? बस हरिद्वार जाओगे ठंडा ठंडा पानी पीना है और बस, उसके बाद गंगा का पी लियो। गंगा जी में चलेंगे ना यार, डुबकी मार के आएंगे। अच्छा 26 को आज बसें नहीं चल रही है, मैं वही बोल रहा था तेरे को कि कल भी मेरे को बड़ी मुश्किल से बसें मिली थी, तब आ पाया मैं। वो एक घंटा तो वहीं रुकने में लग गया था सर, सुबह रात लग रहा उधर से निकल रही है बसें। नहीं बसें इधर से आ रही है, अब टेम्पो आएगा मैक्स ब्लोरो वगैरह आएगी, आप जो भी गाड़ी मिलेगी ना उसी में चल देंगे भाई। तो भाई 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 हरिद्वार पहुँच गए और पता है भाई रास्ते में ना ब्लॉग नहीं बनाया भाई, मेरे को ना नींद आ गई थी यार बस में, पता ही नहीं चला कि कब हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में पहुँच के देखा तो भाई जाम ही जाम, क्या बताऊँ भाई, देख इधर जाम इधर जाम। ये हिमालय चल रहा है, हाथ में पकड़ रखा है इसने मेरा ट्राइपॉड, अभी चलते हैं उठा रहे क्या।
तो भाई आज किस्मत भी साथ दे रही है, धूप तो निकली नहीं। हरिद्वार में भाई इस समय सीजन खुलने वाला है और यात्रा भी ज़्यादा बढ़ रही है, और क्योंकि भाई एक तो नवरात्रि है तब जाके भीड़ ही भीड़ देख सकते हो भाई। इस समय हम कहाँ जा रहे हैं माले? हम जा रहे हैं ललतारापुर बोलते हैं भाई, ललतारापुर। और ये देखो भाई, मन कर रहा था मेरा आइसक्रीम खाने का परसों से। क्यों? मेरे को आइसक्रीम खानी है, वहाँ तो इतनी ठंड रहती है। और ये देखो गाइस अपना हरिद्वार, आई लव हरिद्वार। इधर देख सकते हो, इधर से जल फूकेगा क्या? जाना किधर है? चलो अब चलते हैं गंगा जी में। फिलहाल नहाऊंगा नहीं भाई, क्योंकि मेरे को ना जुकाम खांसी हो रही है यार, और ज़्यादा तबीयत खराब करना नहीं चाहता मैं, क्योंकि भाई दो दिन के बाद हमारे यहाँ पर शादी है। शादी में फुल इंजॉय करेंगे ना भाई, और शादी की वीडियो लेकर, और शादी का भी वीडियो जरूर दिखाएंगे भाई आपको यार। भाई गंगा जी वहाँ पे ना ठंडी ठंडी लहरें, और आपने शायद यार शिवरात्रि का व्लॉग देखा ही होगा जब मैं कांवड़ लेने आया था, वो भी यहीं का है। और चेक दिस व्यू भाई, ये देखो भाई, आह हाय, ये देखो ना घूमते घूमते ना मज़ा नहीं आता ना, जब मज़ा जब आता है जब क्या बोलता है भाई, भीड़ में लेके जा रहा है फोन ना पबजी फिलहाल। तो भीड़ चेक करो भाई गंगा जी का। कल सोच रहा था यार कल ऐसी मैं सोचा आइसक्रीम खाता हूँ, लेकिन वहाँ जाकर ना ऊपर मिलती है लाल डांग अपने गाँव पे यार, वहाँ पे खाने का मज़ा नहीं आता। बार तो भाई हिमालय नहा रहा क्या भाई? समय ना हमारे पास, हमारे पास घूमने का साधन ना ही, हमारे पास अच्छे हैं ना ही, हमारे पास अपना शरीर पहुँचने के लिए कुछ तोलिया हमारे पास, हमें इसी में जल्दबाजी में पीना। अचानक से प्लान बन गया था भाई, वरना आएंगे मगर घूमने भाई। चल दिए भाई हम जिस काम के लिए आए थे उसको पूरा करने। हिमालय दीदी से बात कर रहे हैं अपनी, और यहाँ पर भाई टैटू बनवा रहे हैं, देखो अगर आपको बनवाना है तो आप भी आओ। और क्या भाई, अभी इन्होंने बुलाया हमको दो घंटे तो तुम्हारा कर दीजिए आपको, देखो ये देखो भाई इनकी, भाई ये दीदी है भाई हमारी। देखो भाई लोगो आपका यूट्यूबर क्या कर रहा है, पानी पी रहा है वो भी नाले से पीते। ये हमारे दीदी और ये उनकी फ्रेंड, फ्रेंड हाय कर दो हमारी दीदी ये भाई मोमो खा रहा है देख लो गाइस चेक दिस। घर से ना दाल चावल पेट भर के खा के आया था भाई। ये देखो कितना अच्छा है, और ये भाई साहब खाने को तैयार नहीं है क्या करे भाई, इच्छा नहीं कर रही है अभी। गाइस अभी हमें गंगा जी के किनारे, और हमारे हिमालय भाई मुंह धुल रहे हैं। हिमालय भाई भिगा मत भाई, ये देख रहे हो भाई। फिलहाल भाई देखो अपनी गंगा जी, अपना हरिद्वार सब लोग ज्यादातर करते हैं आज हम भी कर रहे हैं भाई। तो सबसे पहले इसको उठाते हैं, और अभी आते हैं घर की तरफ, घर की तरफ प्रस्थान करते हैं हिमालय भाई, बहुत घूम लिए। और वैसे भाई बारिश का भी मौसम हो रहा है, बारिश भी शायद पड़े ना पड़े, और हिमालय इधर तो बारिश। तो चलो भाई हरिद्वार को कहते हैं टाटा बाय बाय, और चलते हैं अपने गाँव में, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में भाई। चैलेंजिंग क्या, मैं क्या चैलेंज करेगा तो मेरे को, मैं इसको मेरे को बताए तो नहीं कर पाएगा, मेरे को चैलेंज ही कर पाएगा भाई। तो क्या है भाई भाई भाई, अभी हम जा रहे थे घर, और बस में ना देखो अभी बिल्कुल मेरी तरह एक जिसका नाम निखिल है, बिल्कुल ये भी हमारी तरह स्मार्ट है, मेरे से स्मार्ट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, और हम आए थे किसी काम के लिए, वो मैं दिखाता हूँ। वाले भाई चल रहे कट्टा लेके, और एक बैग ये टंगवा है, तो हम ना इसको लेने गए थे हरिद्वार से गाइज। इस कट्टे में कुछ कीमती चीज़ है भाई, बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? अपने ऑडियंस को ना। तो चलो भाई व्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे भाई।